अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट रिहाना समी। कराची में स्नोकर क्लब की रौनक बहाल। औरंगी टाउन उर्दू चौक स्नोकर क्लब की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सैयद फैज़ल हसन, फाउंडर मेंबर चौधरी ज़मीर हुसैन, सदर पाकिस्तान फेडरेशन, 7 बार चैम्पियन होने का खिताब पाने वाले साबिक वर्ल्ड चैम्पियन मोहम्मद यूसुफ, क्लब की ओनर शहजाद खान और स्नोकर खेलने वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी का पुरतबाक इस्तकबाल किया। स्नोकर का इफ्तिताह मेहमान मोहम्मद यूसुफ चौधरी, ज़मीर हुसैन, सैयद फैज़ल हसन ने रिबन काट कर किया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि स्पोर्ट्स का इनेकाद सेहतमंद माशरे में इंतहाई अहमियत का हामिल है। हमारी नौजवान नस्ल को मुंशियात और दीगर समाजी बुराइयों से बचाने के लिए इस तरह के स्पोर्ट्स का इनेकाद इंतहाई ज़रूरी है। वालेकुम अस्सलाम जनाब, देखें आज फिर एक स्नोकर क्लब का इफ्तिताह है और ये भी बड़ा इत्तफाक है इसका कि 141 की ब्रेक लगी और ये क्लब का नाम जो है ये पड़ गए। और ये उनकी काफ़ी पुरानी जो थी वो थी। और शहजाद ख़ान और उसके जो भाई हैं, ये लोग शुरू से ही स्नूकर से ही रिलेटेड हैं। इन्होंने स्नूकर क्लब में स्नूकर के लिए और भी काम करते हैं ये, लेकिन स्नूकर की कंट्रीब्यूशन में और इसको यहाँ तक लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत नाम है इनका। और बड़े अच्छे दोस्त यार और बड़े बुर्दबार किस्म के ऐसे हैं कि दीद करने वाले, लिहाज करने वाले, इसीलिए आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, वरना अब मैं बहुत कम निकलता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि जो क्लबें खुल रही हैं, ये क्लबें देखें ना, ये अब इस जगह पे बताइए आप कि कितना लड़का इस चीज़ से सीखेगा, आगे बढ़ेगा, टैलेंट होगा उसमें, टैलेंट को अपने जो है वो आगे ले जा सकता है, उसको एक क्राइटेरिया मिल गया, ग्राउंड मिल गया, एक मैदान मिल गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस जगह पे क्लब खुलने से गेम को बहुत फ़ायदा होगा, इन सब लोगों को फ़ायदा होगा जो इस गेम से रिलेटेड थे। इन्होंने शुरू से ही इस गेम को आगे तक बढ़ाया है, इनका हक बनता है इस चीज़ पे कि ये इसको जो है अपने एक उनका नाम एक होना चाहिए ना। आज देखें मेहंदी हसन साहब को लोग आज भी क्यों याद करते हैं, तो उन्होंने जो चीज़ कर दी है वो आज भी चल रही है। इसी तरह ये लोग आज से 35-40 साल से ये लोग यही कर रहे हैं, इनको हक है कराची का जो है का नाम है इनका है। मैं कोई किसी को पता ही नहीं है किसी को कि ये क्या है या क्या नहीं। ये बहुत अच्छा इकदाम है, इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। और मैं स्पेशली आप लोगों का, इल्ज़ाम चैनल का और न्यूज़ का मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग आए और मेरा इंटरव्यू आपने लिया है, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। और आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ भी क्लब खुलती है, ओपन होती है, आप जाइए वहाँ। वहाँ जाना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आप इस गेम की मदद कर सकें, इसको आगे बढ़ा सकें, वरना इसमें जो भी आदमी होता है ना वो सिर्फ अपनी रोज़ी रोटी, अपने खाने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए आता है। और इसमें क्या, ये तो आम बात है आजकल पूरे शहर का यही हाल है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई चैनल आकर इसको सपोर्ट करे, गेम को, जो बच्चे लोग जो खेलते हैं इनको सपोर्ट करे, तो बहुत कुछ यहाँ से निकल सकता है। क्योंकि कराची अब बहुत पीछे रह गया है और पंजाब हमसे बहुत आगे बढ़ गया है, वो भी पाकिस्तान है तो अच्छी बात है, चलो अल्लाह सबको दे। लेकिन एक टाइम में कराची का बड़ा नाम था, बड़ी दुनिया खेलती थी, चैम्पियन थे लोग, माना जाता था कि कराची के खिलाड़ी जो हैं वो, तो वो अब थोड़ा सा पसे पुश्त जा रहा है। उसकी क्या वजूहत हैं इसको सोचना पड़ेगा, सबको बैठ के इसको देखना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में जो आपकी काविश है और जो आप ये इसको रिकॉर्ड कर रहे हो, मैं समझता हूँ आपका
आपकी बड़ी मेहरबानी है और मुझे यकीन है कि आपको इससे जो है कुछ ना कुछ पजीराई मिलेगी और आप करेंगे भी इसकी। तो मैं आपके साथ हूँ एनी टाइम, आप जब मर्जी मुझे जहाँ चाहें बुला सकते हैं, मैं आऊँगा। मेरे लायक जो भी खिदमत हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आखिर मैं यही कहूँगा कि ये जो शहजाद भाई खुर्रम, ये जो फैमिली है, ये बड़े अच्छे लोग हैं, मलनसार, प्यार वाले, मोहब्बत वाले, तो इनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा, इन्होंने मुझे बुलाया। आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। ये बस अल्लाह ताला की तरफ से ये है कि हमारे और माँ बाप की दुआओं की वसीले से भाई ये कि हमारे आज हम ये दूसरा क्लब खोलने में कामयाब हुए। इससे पहले मैं एक 10 नंबर पे क्लब चलाता हूँ न्यू क्लासिक के नाम से, तकरीबन 22 साल का अरसा हो चुका है मुझे, और मैं बचपन से ही मुझे इसका शौक़ था, तो इस शौक़ को मैंने कारोबार की शक्ल दे दी है। और बस यही है कि कोशिश है एक कि बस कि अपनी कोशिश करते हैं कि हलाल और जायज़ रोज़गार कमाएं, बाकी वो है कि लोगों की नज़रों में जायज़ नाजायज़ ये अल्लाह बेहतर जानता है, मगर कोशिश हमारी ये होती है कि यहाँ ऐसा माहौल दिया गया है कि दूसरों के बच्चे ख़राब नहीं हों। तो बस यही है कोशिश है हमारी कि अल्लाह ताला जो हमसे करवाए आगे, कोशिश तो यही है कि इससे अच्छे हम क्लब और भी आगे दे सकें। जैसा कि अभी शहजाद भाई ने क्लब खुलवाया है, पहले भी भाई का एक क्लब है, तो यही यहाँ पे नए बच्चों को सीखने का बेहतरीन मौका मिलेगा। रहीम, ये शहजाद भाई के क्लब की ओपनिंग थी और आज बड़ा दिल खुश हुआ इनके क्लब में आके, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा मुझे नज़र आया और यहाँ पे हर तरह की सहूलत मौजूद है, और बाकी बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर इन्होंने ये क्लब तैयार करा है, देख के बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। सलाम अलैकुम वरहमतुल्ला। ये जितनी भी ऑडियंस मेरी देख रही है उन सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे शहजाद भाई हैं जिनका मशहूर क्लब है 10 नंबर की तरफ, तो उन्होंने एक नए क्लब की इफ्तिता करी है, आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, और हम लोगों के दरमियान जो है लेजेंडरी बैठे हैं वर्ल्ड चैम्पियन जिनका नाम है मोहम्मद यूसुफ़ साहब बैठे हुए हैं, तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें मोहम्मद यूसुफ़ साहब से मिलने का मौका मिल रहा है। मैंने ख़ुद स्नोकर छोड़ दिया था खेलना, लेकिन आज फिर से इंशाल्लाह फिर से माशाल्लाह से जो है मैं पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हूँ अपनी, तो आप सब लोगों से ऑडियंस से ये दरख्वास्त है कि आप लोग यहाँ पर आएँ और इस क्लब को इन्जॉय करें। थैंक यू।